चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटे का आइकन है प्लीज़ आप उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता भदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी है काढ़ा, अर्जुन की छाल का काढ़ा। आज मैं आपको ये काढ़ा बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये रहे इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों, इससे पहले आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अर्जुन की छाल का पाउडर लिया है। तो इसको अगर इसको होममेड आपको तैयार करना है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो दोस्तों, ये है अर्जुन की छाल का पाउडर, और ये हृदय रोगों में बहुत फ़ायदा करता है। जिसका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लाता है, जिसको बीपी की शिकायत होती है उसका बीपी भी नॉर्मल लाता है। तो कुल मिला के ये हृदय रोगों में बहुत फ़ायदा करता है। एक बार आप इस काढ़े को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसको आपको सुबह शाम लेना है। और दोस्तों, ये काढ़ा हार्ट में ब्लॉकेज भी नहीं आने देता है। हल्का फुल्का ब्लॉकेज होता भी है तो उसको ये काढ़ा ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, पसारी दुकान पर ये आपको अर्जुन की छाल का पाउडर आसानी से मिल जाएगा, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी लिया है, यानी कि एक कप पानी में आप एक चम्मच पूरा फुल भर के आप पाउडर डाल दीजिए। अब इसे अच्छे से आप इसे मिक्स कीजिएगा, स्पून की मदद से आप इसे मिक्स कर दें। ये देखिए, यहाँ पे पाउडर मिक्स हो गया है पानी में। अब ये देखिए, इस पानी को हम रात भर के लिए छोड़ देंगे। एक ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर, एक थोड़ा सा उसको ढक दें। इस टाइप से आप ढक्कन लें, आप ढक दें इसको। तो ये देखिए, ये मैं फूलने रख दूँगी। अब ये देखिए, मेरा रात भर ये काढ़ा फूल चुका है। रात को मैंने डाल दिया था तो ये मैंने सुबह देखा है, ये फूल गया है। इसका कलर देखिए आप, कितना अच्छा कलर। तो इससे फ़ायदा ये होता है, इसका पूरा जो तत्व होता है काढ़े का वो पूरा निकल आता है। तो चलिए चलते अगले प्रोसेस पे। तो मैंने यहाँ पे एक स्टील का भगोना लिया है, इसमें हम 4 कप पानी डालेंगे। और आपको बर्तन जो आप जिसमें काढ़े को पकाएंगे वो स्टील का होना चाहिए, नॉन स्टिक बर्तन में बिल्कुल ना पकाएं। तो इस काढ़े को स्टील के बर्तन में पकाएं। इस टाइप से आप मीडियम साइज के कप को लेके 4 कप पानी डाल लें। अब ये 1 कप पानी करीब इसमें गिलास में है। अब ये हम काढ़ा मिक्स कर देंगे, इसी में डाल देंगे, यानी कि भगोने में काढ़े को भी डाल देंगे। तो इस टाइप से इसमें थोड़ा जो काढ़ा बचा है पीछे से, इसमें थोड़ा सा पानी धुल के डाल दें। अब हम इस भगोने को गैस चूल्हे पर रखेंगे। तो चलिए, ये देखिए, मैंने गैस चूल्हा जलाया है, और इसी मध्यम आंच में आपको काढ़े को पकाना है, यानी कि सिम गैस पे, पूरा फुल सिम पे आपको काढ़े को पकाना है। तो इस टाइप से आप भगोने को रख दें। तो ये देखिए, काढ़ा पकने लगा है। तो ये देखिए, इस टाइप से स्लो आंच पे आपको पकाना है, और जब थोड़ा सा खोलने लगे तो इसे एक बार आप चम्मच से चला दें इस तरीके से। तो ऐसे आप स्लो आँच पर बनाएंगे तो ये काढ़ा का पूरा जो फ़ायदा होता है पूरा फ़ायदा मिलेगा इसका। तो ये देखिए, यहाँ पे काढ़ा आधा बन चुका है, यानी कि इसका 2 कप पानी करीबन जल चुका है इसका पानी। तो ये करीबन इसमें 2 कप रह गया है। ये इस टाइप से मलाई पड़ गई है, इसको चला दीजिए चम्मच से। बीच में 2-3 बार आप चला दें काढ़े को, 2-2 मिनट में आप चला दें काढ़े को। तो ये देखिए, अब ये काढ़ा हमारा बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर काढ़ा 1 कप रह गया है। इस तरीके से आपको काढ़ा बनाना है, यानी कि 4 कप पानी डालना है और काढ़ा डालना है, और जब 3 कप पानी जल जाए तो 1 कप बचे, तो काढ़ा इसका मतलब काढ़ा तैयार है। इस तरीके से अब एक इसमें उबाल ला के और गैस को हम कर देंगे बंद। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया, आप देख सकते हैं, आप काढ़े का कलर देख सकते हैं। देखिए, आप कलर कितना अच्छा काढ़े का आया है। इस टाइप से अगर काढ़ा बना के आप यूज करेंगे तो काढ़ा आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हम ठंडा हो जाने देंगे। तो ये देखिए, काढ़ा हमारा ठंडा हो चुका है, यानी कि हल्का गुनगुना रह गया है। तो अब इसको हम छानेंगे। तो इस टाइप से मैंने एक कांच का गिलास लिया है, इसमें हम छान रहे हैं। और इस काढ़े को आप हल्का गुनगुना हार्ट पेशेंट को आप दीजिए, और डॉक्टर की दवा जो डॉक्टर ने दी हो वो भी दवा खाने दीजिए, और इस काढ़े को भी चलने दीजिए, और इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। ये देखिए, काढ़ा हमारा बन के बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, इसको आप यूज कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए
कि आपको काढ़े से फ़ायदा मिला है या नहीं। और दूध वाला आपको काढ़ा यानी कि दूध की चाय भी इसको बोलते हैं, तो इसमें मैंने दूध नहीं डाला है। जिसको अगर दूध वाला वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।